TPL is a great sport. ये मेरे लिए बहुत ही amazing project रहा है. Nora Fateh comes from Canada. She is a Moroccan. क्योंकि इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे टेनिस प्लेयर्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुए. हाय, दिस इज रजत देव. और TPL जो टेनिस प्रीमियर लीग है, इसका फोर्थ ईयर है और DBB का जर्सी लॉन्च के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे. एंड आई रियली फील TPL इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट बिकॉज इसमें बहुत सारे यूथ और यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए. क्योंकि इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे टेनिस प्लेयर्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुए, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रीमियर लीग देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग आउट एंड इट्स ग्रेट फीलिंग टू बी हियर सपोर्टिंग अ स्पोर्ट. दैट्स व्हाई आई एम हियर. सो टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, टेनिस के लिए मैं सपोर्ट करने आया हूँ. उसी तरीके से मैं लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड फीफा का बड़ा फ़ैन रहा हूँ, फुटबॉल का फ़ैन रहा हूँ. एंड रिसेंटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कोरियोग्राफ Nora Fateh फॉर द फीफा एंथम, ऑफिशियल एंथम विच इज़ कॉल्ड लाइट द स्काई. तो वो करके एज इन इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. देन हम लोगों ने एक परफॉर्मेंस किया वहाँ पर, लाइक इट वॉज अ 1 hour सेट परफॉर्म बाय Nora Fateh. इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज़ बीन एसोसिएटेड विद दैट कॉन्सर्ट, जिसमें मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ. मेरी टीम जो इंडिया से अराउंड 25 लोग गए थे अलॉन्ग विद Nora Fateh, उन्होंने एक घंटा परफॉर्म किया एंड देर वॉज सो मच अमेजिंग मोमेंट्स वेयर वी कुड विटनेस 80,000 पीपल चीयरिंग फॉर Nora, Nora, Nora. एंड आई फील रियली प्राउड ऑफ हर बिकॉज वो ऐसी लड़की है जो बॉलीवुड से, आई थिंक इट्स द फर्स्ट बॉलीवुड आर्टिस्ट टू रिप्रेजेंट बॉलीवुड ऑन सच अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच इज़ फीफा. सो या सी शी कम्स, Nora Fateh कम्स फ्रॉम कैनेडा, शी इज़ अ मोरक्कन, बट उन्होंने पिछले 6-7 साल से बॉलीवुड में काम किया एंड शी इज़ मेड हर नेम इन बॉलीवुड. सो शी इज़ टेक्निकली इंडियन फ्रॉम हार्ट. तो इस बार जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला टू बी ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ फीफा फैन फेस्टिवल परफॉर्मिंग फॉर एवरी वन आउट देयर, तो लिटरली उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है, हमारी टीम के साथ साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. हमें बहुत गर्व होता है इस बात को, क्योंकि एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर, वी ऑलवेज यू नो फील समथिंग कि हम भी अपना देश का नाम कैसे रोशन करें. एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज ग्रेट 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 फीलिंग. सो मुझे ये बोलना है कि उस आर्टिस्ट का इंटेंशन इतना सही था, क्योंकि उस जगह पे अगर कोई भी हो परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ 80,000 पीपल, सो मच ऑफ नॉइस, पीपल आर शाउटिंग फॉर हर Nora, Nora, उसके बीच में किसी ने इंडिया का फ्लैग ऑडियंस से लाया था, उन्होंने बोला कि मुझे वो फ्लैग दो, शी रेस द फ्लैग विच इज़ अ ग्रेट थिंग, शी सेड जय हिंद. और जब पहली बार उन्होंने रेस किया था तो बिल्कुल ही सीधा था, उसके बाद उनके मुँह पर विंड आया, टर्न होने के बाद में वो अपसाइड डाउन हो गया. बट ये उनकी गलती मान सकते हैं, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया. बट फॉर मी इट्स द इंटेंशन दैट मैटर्स एंड आई स्टिल फील प्राउड अबाउट हर एंड एवरीवन फ्रॉम आवर टीम फील प्राउड अबाउट हर. और जितने भी सारे मैंने भी कमेंट्स देखे हैं, आई थिंक 20% इज नेगेटिव बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे डू द ट्रोलर्स, दे डू व्हाट दे हैव टू डू, बट देर वर सो मेनी पॉजिटिव कॉमेंट्स. ये देख के मुझे अच्छा लगा, देवर लाइक अबाउट 80% ऑफ पीपल केम इन टू हर सपोर्ट. दे ऑलवेज सेड यार तुम लोग ये क्यों बोल रहे हो, हर बात के लिए नेगेटिव चीज़ें क्यों निकाल रहे हो, थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड. इंडिया का फ्लैग फीफा के स्टेज पे है, इस बार डांस और म्यूजिक के थ्रू है. जल्दी हमारे प्लेयर्स कमाल करेंगे और फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया भी आएगा एज अ फुटबॉल टीम. ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट रहा है बिकॉज Nora Fateh को जब ये अपॉर्चुनिटी मिला कि शी इज़ गोना बी वन ऑफ द सिंगर्स फॉर लाइट द स्काई, तो एक कोरियोग्राफर ऑलरेडी था जो इंटरनेशनल कोरियोग्राफर है फॉर द वीडियो, बट Nora ने कहा कि मेरा पार्ट जो भी रहेगा वो मेरे लिए रजत ही कोरियोग्राफ करेगा. सो इट्स लाइक बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विथ मी एंड हर, वी बीन वर्किंग टुगेदर ऑन लाइक अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. तो वो चाह रही थी कि कहीं ना कहीं वो एक इंडियन फ्लेवर आए उस गाने में, तो इस वजह से मैं वहाँ पर था, मैंने वो कोरियोग्राफ किया और हम लोगों ने एक हुकस्टेक चैलेंज भी थ्रो किया था ऑन इंस्टाग्राम एंड इट्स करेंटली गोइंग वायरल. मुझे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से लोगों के रील्स आ रहे हैं
विच इज़ ग्रेट थिंग बिकॉज मुझे ब्राज़ील से आ रहे, इटली से आ रहे, ऑल अराउंड यूरोप, अफ्रीका, बच्चे, लाइक एवरी वन ऑफ द एज ग्रुप इज़ डूइंग द स्टेप्स विच आई हैव टॉट. सो इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी. थैंक यू. थैंक यू.